हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 2D क्रैकर ट्री के बारे में देखेंगे कि इसको आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि मैंने LED स्ट्रिप यूज किया हुआ है, तो इसी के कनेक्शन को समझेंगे कि आपको अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने 3D वाला देखा था, वो पूरा का पूरा पेड़ बनाना था, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली और बल्की प्रोसेस था। ये आप सिंपल में इजी वे में आप बना सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिप यूज किया है, जो कि आप देख पा रहे हैं, एक डंडी में मैंने 15 LED यूज किया है, 15 LED है। मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने 15 LED यूज किया है। आप इसमें 20, 25 जो आपका रिक्वायरमेंट है, जितना बड़ा ट्री बनाना है वो यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ स्ट्रिप यूज किया ताकि चिपकाने में ईजी हो, बाकी आप वायर वाला भी पिक्सल यूज कर सकते हैं। और अपने नंबर ऑफ LED के अकॉर्डिंग आप पावर सप्लाई चूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जो है 300 LED के लिए पावर सप्लाई चूज किया है। अप्रॉक्स जो है एक पैकेट स्ट्रिप में ये मेरा तैयार हो चुका है। और यहाँ पे एक क्रैकर ट्री का आप कंट्रोलर लगा हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि ये नीचे से निकल रहा है और ऊपर जाके ब्लास्ट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका वायरिंग बहुत सिंपल है, अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से क्या किए हैं कि यहाँ से जो पावर सप्लाई का दो वायर होता है वो पिक्सल स्ट्रिप के जो है, पिक्सल स्ट्रिप में जो प्लस माइनस लिखा होता है उसमें जोड़ देते हैं, और ग्रीन वाला डेटा होता है। और उसी में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर में भी तीन वायर होता है, प्लस माइनस और ग्रीन डेटा। तो प्लस माइनस रेड और वाइट को जो है प्लस और माइनस से जोड़ते हैं, और कंट्रोलर के जो ग्रीन डेटा से वायर निकला है वो पिक्सल के यहाँ पे ग्रीन डेटा वाले वायर से जोड़ते हैं। तो अभी हम लोग लाइट जलाकर देखेंगे इसका वायरिंग कैसे किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे तो मैंने ये लगा रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस 5 वोल्ट, यहाँ पे देखिए D0 और GND, और यहाँ पे देखिए एरो बना हुआ है, एरो। तो आपको इस एरो का ध्यान रखना है क्योंकि ये डेटा मेरा नीचे से ऊपर आ रहा है, तो एरो जो है आपको ऊपर के डायरेक्शन में होना चाहिए। और इससे जो डेटा निकल करके मैंने क्या किया है, सारे स्ट्रिप को जोड़ दिया है। और सारा स्ट्रिप का डायरेक्शन देख लीजिए, ये बाहर की साइड है इसका एरो। अभी देखिए ये एरो बाहर जा रहा है, सबका एरो बाहर के साइड। इसमें भी देखिए सबका एरो जो है ऊपर के साइड, इस साइड, उस साइड। तो मैंने क्या किया, ये जो नीचे से स्ट्रिप आ रहा था उससे डेटा निकाल करके D0 जो यहाँ लिखा है, मतलब डेटा आउट जो होता है, बाकी के DIN, तो यहाँ पे देख सकते हैं DIN है, डेटा इन, तो सब में पैरेलली डेटा जोड़ दिया है। ये देखिए इसी डेटा को घुमा करके सब में जोड़ दिया है, ताकि आपको ये नीचे से एक वो आ रहा है डिज़ाइन, और ये जो है चारों साइड ऐसे फैल जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है प्लस माइनस का मैंने दो रेल बिछा लिया है। तो आप देख रहे हैं कि GND में ग्राउंड और 5 वोल्ट में 5 वोल्ट, तो मैंने दो रेल बिछा लिया वायर का, एक से 5 वोल्ट, एक से ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है,